मूर्ति को तोड़ने की उसके साथ वो मारपीट भी की, लेकिन उसको ले आए हैं यहाँ पे। ये वो हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति है। बीती रात इंदौर के नेहरू पार्क स्थित एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ से बवाल मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को पहले मुस्लिम समझा जा रहा था, लेकिन पुलिस के अनुसार वह हिंदू युवक है। युवक ने नेहरू पार्क स्थित गणेश मंदिर में घुसकर मूर्ति तोड़ दी थी। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक युवक का दिमागी संतुलन खराब है। मानसिक रोगी व्यक्ति ने मंदिर में मूर्ति तोड़ने की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। वारदात की जानकारी लगते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और मामले को शांत कराया। एक नेहरू पार्क पर गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर एक पागल द्वारा मूर्ति को तोड़ने की वो घटना कर दी है। उस पागल को पब्लिक ने पकड़ लिया था, थोड़ा उसको उसके साथ वो मारपीट भी की, लेकिन उसको ले आए हैं यहाँ पे। और पागल अभी अपनी कुछ भी आइडेंटिटी नहीं बता रहा, जिसकी पहचान अपन करेंगे, लेकिन घटना तो उसने की है। सर बाहर जो कुछ लोग हैं जो लेके आए हैं, बता रहा मुस्लिम समुदाय से है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हिंदू समुदाय का ही व्यक्ति है, ये हमने तस्दीक कर ली है। पर उसका नाम पता कहाँ से, चूंकि पागल है तो कुछ भी नहीं बता पा रहा है वो, लेकिन ये हमने तस्दीक कर ली है। जो जो शारीरिक लक्षण होते हैं उसके अनुसार वह हिंदू धर्म का व्यक्ति है। सर क्यों उसने मंदिर में तोड़फोड़ कर, वो पागल है, पागल होने की वजह से तोड़फोड़ कर दी उसने, उसको ज्ञान ही नहीं है वो क्या कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बाहर खड़े जो युवक है वो बता रहे हैं कि उसने मंदिर में से पैसे भी निकाले हैं। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं सर, मूर्ति तोड़ी है ऐसे, ये कुछ नाम वगैरह सर अभी आया है, नाम क्या उसे पूछ रहे हैं, वो पागल है, कुछ भी बता नहीं पा रहा है कहाँ का है। अभी तो उसकी यही नहीं पहचान हुई कहाँ का है, मतलब ऐसा एक्चुअली मालूम नहीं पड़ रहा है।